बड़ी खबर ग्वालियर से मिल रही है, जहां भूमि अधिकार के लिए एकता परिषद रैली की शुरुआत की गई है। मेला ग्राउंड में 25,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं। रैली में 17 अलग अलग राज्यों से लोग शामिल हो रहे हैं। तो 4 अक्टूबर को ग्वालियर से दिल्ली तक पैदल यात्रा की जाएगी। यात्रा में 25,000 से अधिक सत्याग्रही जो हैं वो शामिल होंगे। भूमि अधिकार बिल पास करने की मांग को लेकर सरकार से मिलेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़ गए। संदीप, जानना चाहेंगे 25,000 से ज्यादा हितग्राही यहाँ पे सत्याग्रही जो हैं वो पहुंचने वाले हैं, जो मांग यहाँ पर की जा रही है उसे लेकर क्या कुछ रणनीति? प्रदेश के अलग अलग प्रदेश होते हैं जिसमें साउथ के नॉर्थ के कई प्रदेश शामिल है। ऐसे 17 प्रदेशों से जो लोग हैं, जो किसान परिवार है, जो भूमि मजदूर हैं, वो इस समय ग्वालियर मेला ग्राउंड में बने आ रहे हैं। और लोग हजारों की संख्या में देख रहा हूँ उस समय कि पूरे एक सैलाब लगा हुआ है किसानों का, भूमिहीन मजदूरों का। और जो लोग अपनी मांगों को लेकर जिस तरीके से कई जो वायदे हैं, जो भूमिहीन किसान है उनको जमीनों के लिए, साथ में जो ये लोग पैदल यात्रा करेंगे, 4 अक्टूबर को ये पैदल यात्रा शुरू होगी, 25,000 की संख्या में ये लोग दिल्ली पहुंचेंगे। और एक बड़ा कहना चाहिए कि देश में और देश के बाहर भी जो मीडिया पूरी नजर इस आंदोलन पर लगी हुई है, तो भी सालों से चलने वाला ये आंदोलन है। और राजगोपाल जी जाने माने जो सामाजिक कार्यकर्ता, उनके नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है, और आज भी ग्वालियर में हम देख रहे हैं कि हजारों लोगों की संख्या आ चुकी है और हजारों लोग अभी आने वाले हैं इस यात्रा में। आपसे जानना चाहेंगे 4 अक्टूबर को ये यात्रा ग्वालियर से दिल्ली की तरफ कूच करने वाली है, मांगों को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है, क्या किसी जनप्रतिनिधि ने बातचीत की है? जी देखिए, जैसा कि जो भूमि अधिकार बिल है, भूमि अधिकार बिल के लिए ये पूरा आंदोलन है, ये पूरी मुहिम है जो सालों की चली आ रही है। और अभी जनप्रतिनिधि सालों का ये मामला चला आ रहा है, तो एक सामान्य जनप्रतिनिधि से कोई बात करने का मतलब भी इसमें नहीं है। लेकिन पूरी देश की संसद से एक बिल को लेकर इन लोगों की मांगे, जिसके एवज में ये लोग हजारों की संख्या में। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए।